बंगाल की खाड़ी से उठकर ओडिशा तट की ओर बढ़ रहे समुद्री चक्रवात सितरांग पर भारतीय मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। दरअसल विभाग का कहना है कि चक्रवात तूफान ओडिशा तट पर आने के बाद उसे पार कर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों की ओर आगे बढ़ जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर के इलाके में मौसम से जुड़ी कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन ओडिशा के तटीय जिलों में 24 अक्टूबर की सुबह से तूफान की वजह से बारिश होने की संभावना जरूर जताई गई है। फिलहाल उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिल्ली यूपी समेत समूचे उत्तर भारत में धूप खिल रही है, लेकिन कर्नाटक केरल समेत पश्चिम के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही मौसम विभाग ने ओडिशा में चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 21 अक्टूबर यानी कि आज का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री बना रहेगा। आसमान भी साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के माने तो दिवाली तक दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दिल्ली में जैसे जैसे दिवाली और सर्दियों का मौसम पास आ रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। कल रात 9 बजे के करीब दिल्ली में एक QI 380 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं गाजियाबाद में एक QI 276 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री दर्ज किया जाएगा। गाजियाबाद में आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री रहेगा। दिल्ली NCR की तरह ही यूपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यूपी के मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा में कल प्रदूषण का स्तर काफी खराब दर्ज किया गया था। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। कोंकण, गोवा और ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।